हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द न्यू पॉलिसी अपडेट ऑफ यूट्यूब रिगार्डिंग टू रीयूज कंटेंट इश्यू आर चैनल रिजेक्शन आर अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो न्यू अपडेट है, बैड अपडेट है, बैड न्यूज़ है बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए, लेकिन कहीं पर ये एक अच्छी अपडेट भी है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूब पर आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखना है आपने। इस वीडियो में आपको जो है A to Z जो YouTube की जो है न्यू अपडेट आई है मोनेटाइजेशन के हवाले से पूरी फुल जो है मैं इसमें अपडेट वो गाइड करूंगा आप लोगों को। और ये चैनल हमारा YouTube और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को आप यहां पर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आपकी मतलब इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलें बग़ैर वक्त रह के शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि पहले आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स जो वाइट टाइम है पब्लिक वॉच आवर्स वो कंप्लीट करते थे और उसके बाद जो है आपको यूट्यूब अलाउ करता था कि आप मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करें। और जैसे ही आप अप्लाई करते थे तो फिर यूट्यूब उसको आपके कंटेंट को, आपके रिक्वायरमेंट्स को और एवरीथिंग को रिव्यू करता था कि इसमें कोई जो है वायलेशन तो नहीं है, और उसके बाद जो है वो आपके चैनल को अप्रूव कर देते थे। सिंपल से यही होता था। दूसरे केस में ये होता था कि आप अगर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते थे तो आपका चैनल रेपिटेटिव कंटेंट या रीयूज कंटेंट इशू की वजह से आपका चैनल जो है रिजेक्ट हो जाता था या हो जाता है, अभी भी होते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम एक न्यू चैनल को जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और वो रीयूज़ कंटेंट इशू की वजह से जो है डीमोनेटाइज मतलब रिजेक्ट हो जाता है, मोनेटाइज नहीं हो पाता, तो आपको एक मंथ का जो है टाइम दे दिया जाएगा। वो पहले भी दे दिया जाता था मगर अब चेंजिंग इसमें ये की है कि आपको एक मंथ का मतलब 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद जब आप अपने कंटेंट को सेट करके अरेंज करके मतलब डिलीट और एडिट वगैरह करके दोबारा से रीअप्लाई करते हैं, अगर दूसरी बार भी आपका चैनल जो है रिजेक्ट हो जाता है तो इस केस में फिर आपको जो है थर्ड टाइम के लिए 90 डेज़ का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो है मतलब 3 मंथ्स के बाद आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक जो है छोटी अपडेट है पर बैड अपडेट है, वो इसलिए कि आपको 3 मंथ का वेट करना पड़ सकता है। और यही केस अगर बड़े जो ओल्ड चैनल्स हैं जिन पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर हैं जो ऑलरेडी मोनेटाइज हैं उन पे देखा जाए तो उसमें ये होगा कि अगर आपका चैनल किसी वजह से डीमोनेटाइज हो जाता है तो फिर आपको डायरेक्ट 90 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। तो आप कंटेंट बनाते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि आप जो है रीयूज़ कंटेंट इशू तो मतलब इसमें यूज़ नहीं कर रहे, मतलब रीयूज़ कंटेंट तो यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा कंटेंट जो जिसमें रीयूज़ है, या आप एक वीडियो को 2 चैनल पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से जो है बचें ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नई यूट्यूब की अपडेट आई हैं, मैं वो भी आपके साथ जो है शेयर करूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय।